कोटेदार आरती वर्मा सिमरी चकपिहानी ब्लॉक हरिहरपुर रानी ने बताया कि डीएसओ जनपद श्रावस्ती करीमुद्दीन के द्वारा रिश्वत लेकर कोटेदार संगीता देवी के द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी का तेल करीब 40 लीटर ब्लैक किया गया, जिसकी सूचना होने के पश्चात भी डीएसओ के द्वारा रिश्वत लेकर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया गया और कोटेदार संगीता देवी के मिली भगत से कोटा चलाया जा रहा है और उसमें जनता को राशन 4 किलो 4.5 किलो दिया जाता है। करीब मिट्टी का तेल 40 लीटर ब्लैक करती हुई वीडियो भी सामने वायरल हो रहा है, जिसमें कोटेदार को दिखाया गया है कि ब्लैक मिट्टी का तेल करते हुए, परंतु इस पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया। कोटेदार आरती वर्मा को लगातार डीएसओ जनपद श्रावस्ती के द्वारा परेशान किया जा रहा है और लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है और दबंग कोटेदार माता प्रसाद संगीता देवी के द्वारा दबंगई से कोटा चलाया जा रहा है, जिसमें जनता को राशन भी कम दिया जा रहा है और इससे पहले भी कई सालों से कोटा जिनके चला रहे थे और इससे पहले सपा सरकार में भी इनके द्वारा मिट्टी का तेल और राशन को अवैध तरीके से विक्रय किया गया है, जिससे इसका जांच किया जाए और डीएसओ श्रावस्ती और कोटेदार संगीता देवी को जांच किया जाए किस प्रकार से लोगों को राशन वितरण करते हैं। उनका बनाए दिन वो पाले हैं, डान पाले हैं शायद। हाँ, वीडियो एक तो वायरल किया ना, 40 लीटर मिट्टी का तेल वितरण की, वो मैंने वीडियो वायरल किया, उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो, ऐसा भद्दी भद्दी गाली देकर वो उसको कमेंट किया कि मैंने कोतवालों साहब को दिखावा लेके गए एप्लीकेशन दिहन और कप्तानों साहब थी रजिस्ट्री किहन, डेमो साहब थी किहन, कोई ना उसके कोई उस वीडियो का कोई ना नहीं। तो मिट्टी का तेल भले कौन कोटेदार कर रहा था? संगीता देवी। संगीता देवी तो उसमें आपने सूचना इसको डीएसओ दिया? सब जब हमारे नंबर सब तुम छोड़ दिए थे नंबर, लेकिन जो है डीएसओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो बचा रहे हैं। अच्छा, घूस पा रहे हैं जी, घूस पा रहे हैं, रुपए लेते हैं तो बचा रहे हैं, जनता रहे चाहे बाहर में जाए जी। खुद डीएसओ साहब हमसे कहें कि आप अपने में बाजोगे कि पूरे दुनिया में बाजियो, तो मैंने सोचा कि अब बतावा जाए कि ये साहस अधिकारी जब शराबस्ती में यहाँ की कहते हैं अपने में बजियो कि दुनिया में बजियो, तब कहाँ गरीब जनता के निस्तारण है। आप क्या चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये सूचना सीधा मतलब शासन को भेज दीजिए जी, शासन को भेज दीजिए और ये मुख्यमंत्री जी से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसको यहाँ जांच करवा लिया जाए, जांच करवा कर इनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए अगर दोषी हैं इन लोगों में। एक ये माफिया कोटेदार है सर, इस 3 साल के पहले कुछ दूसरा, एक संगीता देवी कोटेदार का जांच कराया जाए, एक डीएसओ करीमुद्दीन। हाँ जी, अगर इसमें जिन कानूनी कार्यवाही जिस जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हमको दंड से डबल दंड दिया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बनने के लिए। नमस्कार। ये फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।